Good evening, guys. Warm welcome to all. This is the market outlook session for 8th July 2022. In this video, we will discuss about Nifty, Nifty Bank, and what are the things that we have to keep in mind for tomorrow as well as for the coming trading session. So this video will be very important because मैं आपको guide करूँगा कि ऐसे कौन से important levels हैं आगे जहाँ पे आपको cautious हो जाना है market because बार बार क्या गलती कर देते हैं ट्रेडर्स की मार्केट जब भी ऊपर आता है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ पुल बैक आप उसमें बाइंग चालू कर देते हो एट हायर लेवल्स एंड फिर वापस से जब मार्केट वहां से करेक्ट होता है या फिर वापस से जब वहां से एक हेल्दी करेक्शन आती है नीचे की तरफ लाइक निफ्टी गोज डाउन फ्रॉम 16,200 और 16,300 टू अगेन बैक टू 15,000 तो आप बहुत सारे लॉसेस कर लेते हैं एंड जो भी आपने मार्केट के ऊपर आते हुए कमाया है डेफिनेटली उससे बड़े लॉसेस हो जाते हैं तो दिस वीडियो विल गाइड यू कि आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे कॉशियस रहना है एंड ध्यान रखना है कि आप जितना पॉसिबल उतना लॉन्ग वाली ट्रेड्स को अवॉइड कर सको एंड ट्राई कर सकूं कि अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो वहां से वो रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकूं। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द यूएस मार्केट्स यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल टुडे यूएस 30 इज 0.7% अप यूएस 100 व्हिच इज द टेक्नोलॉजी स्टॉक इंडेक्स इन अमेरिका इट इज 1.5% अप डॉलर एज यूजुअल इज वेरी स्ट्रांग एसजीएक्स निफ्टी इज ट्रेडिंग विद ह्यूज गेन्स Right now, it is trading at 16,270, which indicates that tomorrow also we can see a good gap up in the markets. We don't know where SGX will open in the morning, but as of now, it is looking like a big gap up on the markets for tomorrow. Let us start discussing about Nifty, and then we will discuss about Nifty Bank. So, yahan pe maine kuch important levels mark kiye is type se. ठीक है एंड आई हैव यूज्ड व्हाइट कलर लाइन फॉर दैट ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस फॉर मेकिंग दिस लाइंस ठीक है तो ये वो लेवल है जहां से बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट ठीक है बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ उसके बाद मार्केट थोड़ा सा एक दो तीन दिन स्पेंड किया देन ब्रेकडाउन उस ब्रेकडाउन का कभी फॉलो अप नहीं आया धीरे 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 करके मार्केट रिकवर हो गया ठीक है एंड इन दिस होल ये जो नीचे के कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट अ सेकेंड होप यू आर एबल टू सी दिस बाय So let me open the 15 minute charts of Nifty. तो यहां से एक ब्रेकआउट आया था कंसोलिडेशन का एंड जब भी आफ्टर अ ह्यूज डाउन ट्रेंड वन साइडेड डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन होता है पॉज होता है तो मार्केट दो जगह पे जाता है या तो वो रिवर्स करके फिर से ऊपर जाने लग जाता है या फिर वो कंटिन्यू करता है अपनी ट्रेंड इस केस में वी हैव शोन रिवर्सल एंड आपको ब्रेकआउट मिला रीटेस्ट मिला कंटिन्यूएशन मिला ठीक है इट वॉज कंफर्म दैट नाउ वी विल गो हायर अब वापस से डेली चार्ट पे आ जाते इसके बाद आपने क्या देखा कि कंजेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनना बंद हो गई कंजेक्यूटिव रेड कैंडल्स का ये मतलब है कि यू आर नॉट सीइंग अ कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स ऑन द मार्केट यहां से ब्रेकआउट हुआ एक रेड कैंडल बनी फिर दो ग्रीन कैंडल बनी फिर एक रेड फिर कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनी काफी अक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे और ये लेवल यहाँ पे बहुत अक्यूमुलेशन हुआ बिकॉज ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल था मार्केट का ये देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा अक्यूमुलेशन मिला फिर मार्केट वापिस से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया एंड आपने इस पूरी रैली में कभी भी कंजेक्यूटिव रेड कैंडल्स नहीं देखी कंजेक्यूटिव रेड कैंडल्स का मतलब है कि एक दिन की पुअर क्लोजिंग के बाद
आपको अनदर डे की पुअर क्लोजिंग मिली विच इज कंफर्मिंग दैट बियर्स आर नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड योर ट्रेंड जिसमें आप प्ले कर रहे थे वो वापिस से वीक हो गया. तो जब तक आपको कंसेक्यूटिवली टू पुअर क्लोजिंग्स नहीं मिल रही मार्केट में यू आर गोइंग टू अज्यूम कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है. तो जिन्होंने भी ये ब्रेकआउट ये जो 15,900 वाला ब्रेकआउट है इस पर ट्रेड किया है या फिर ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो गए हैं उनको अपना अजम्पशन तब तक कैरी करना है जब तक आपको दो कंसेक्यूटिव पुअर क्लोजिंग नहीं मिल जाती. तो जैसे ही आपको दो कंसेक्यूटिव पुअर क्लोजिंग मिल जाएगी यू विल स्टार्ट टू अज्यूम दैट वापस से मार्केट नाउ इस जगह पे एक टॉप बना सकता है. दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर. अब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज माय प्लान फॉर टुमारो. आज एक रेंज बाउंड सेशन था मार्केट. दिस यू कैन क्लियरली सी ऑन द 5 मिनट चार्ट. लेट मी शो यू. तो आज एक रेंज बाउंड सेशन था. डेफिनेटली आज के रेंज बाउंड सेशन के बाद कल डेफिनेटली कुछ एक्टिविटी होगी और आपको एक ट्रेड मिलेगी. नाउ लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई आई हैव मार्क्ड दीज लाइट्स. देखिए आपको इस कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिला था. नाउ मार्केट इज अगेन कमिंग टू दैट कैंडल. वापस मार्केट इस कैंडल को अब अप्रोच कर रहा है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं इस कैंडल में जहां पे या तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए. लेट मी ऑल्सो ओपन द डेटा. डेटा एक्सपायरी का है तो वोंट सजेस्ट एक एग्जैक्ट क्लू नहीं दूंगा कि मार्केट कैसे वर्क कर सकता है. बट फॉर टुमारो आई एम नॉट हैविंग एनी व्यू. ठीक है ये तो पहली चीज आपको बता देता हूँ. कल कोई व्यू लेके मार्केट में नहीं जा रहा हूँ. सेकेंड थिंग है कि अगर कल बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है या फिर अच्छा खासा गैप अप मार्केट में हो जाता है तो इट इज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड कि मार्केट आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है बिकॉज आपको लास्ट के 3 दिन से कंटिन्यूस रैली देखने को मिल रही है. 15,800 से वी आर टुडे एट 16,150 और अगर कल गैप अप हो जाता है तो इट विल एड टू दिस रैली. तो आपको ये समझना होगा कि डेफिनेटली जहां भी अब एक क्रूशियल लेवल आएगा वहां से पीपल विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स. ठीक है तो ये मैंने दो लेवल्स मार्क किए. दो रेंज बना रखी है मैंने. इम्पॉर्टेंट रेंज है बिकॉज मार्केट अगर अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज करेगा तो कुछ डेवलपमेंट्स होंगे. डेवलपमेंट जब भी होगा मार्केट में तो यू विल सी अ रेंज बाउंड मूवमेंट. आपको थोड़ी सी वॉलिटिलिटी मिलेगी रेंज बाउंड मूवमेंट मिलेगा और फिर एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां से वो ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकता है. यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और ये मार्केट का लो था तो मैंने यहाँ पे एक रेंज बना दी. एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये मार्केट का ओपन है एंड हाई तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इस कैंडल की. ठीक है नाउ आप अभी क्या देख रहे हो कि SGX इज ट्रेडिंग अराउंड 16,270. उसका मतलब है कि मार्केट इधर भी खुल सकता है अराउंड दिस लेवल. ठीक है तो लेट अस सी कि एक दो सिनेरियो अपन अज्यूम करते हैं और उसमें कैसे आपको ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. लेट अस अज्यूम कि मार्केट गैप अप हो जाता है. ठीक है एक छोटा सा गैप अप हो जाता है उसके बाद आपको इसके बीच में कंसोलिडेशन मिलता है. उसके बाद एक ब्रेकआउट आ जाता है उस कंसोलिडेशन का. देन डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो मार्केट्स को. आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये जोन. ये जो पूरा जोन है इसके बीच में आपको एक टारगेट मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी या फिर ऊपर वाले लेवल. अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप पे खुल जाता है तो मार्केट में कंसोलिडेट बिटवीन दिस जोन इस जोन के बीच में कंसोलिडेट हो सकता है. एंड आफ्टर कंसोलिडेटिंग फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर और 1 आवर वो आपको एक ब्रेकडाउन दे सकता है. एंड वहां पे आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप ग्रैब करके ये टारगेट तक लेके आ सकते हो. तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको मार्क रखने चार्ट्स पे. इन दो लेवल्स पे जो भी एक्टिविटी होती है कल मार्केट में उसको आपको ट्रैक करना है. या तो यहाँ पे होगी एक्टिविटी या फिर यहाँ पे होगी. अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो देन एक्टिविटी यहाँ पे होगी. स्मॉल गैप अप हो गया तो एक्टिविटी यहाँ पे होगी एंड अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना है. ठीक है अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होके ब्रेक डाउन आ रहा है तो मे बी अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले जो आज के लो तक आपको ले आए. ठीक है या फिर 16,025 तक ले. तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये दो क्रूशियल जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो एक्टिविटी होगी उसके बाद जहां पे मार्केट जाएगा
वहां पे एक इंट्राडे ट्रेंड एस्टैब्लिश होगा और उसको आपको प्ले करना है। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक नाउ। निफ्टी बैंक काफी अच्छा चला पिछले दो सेशंस में, वाज वेरी बुलिश एंड इट वाज वन ऑफ द सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू निफ्टीज अप। ठीक है, नाउ ये वो कैंडल है जिससे जिसके बाद मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी मार्केट्स में, उसके बाद अब गैप डाउन हुए, देन अगेन गैप डाउन हुए और उसके बाद ये पूरा डाउन ट्रेंड हुआ। ठीक है, अब वापस से यू आर अप्रोचिंग द सेम लेवल। ठीक है, इस सेम लेवल को आप वापस से अप्रोच कर रहे हो एंड इट विल बी एग्जैक्टली आफ्टर वन मंथ, मतलब एक महीने के बाद आप इस लेवल को अप्रोच करोगे। तो कंसिडरिंग द टाइम दैट मार्केट हैज टेकन टू कम टू दिस लेवल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेवल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और एरिया है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे मार्क कर रखा है। इसका क्लोजिंग और हाई मैंने मार्क किया बिकॉज डेफिनेटली दिस इज अ लेवल विच कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टुमारो इन द मार्केट। ठीक है, बिकॉज इसी कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपको एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिला था, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की थी इस कैंडल के बाद मार्केट ने, मे बी बिकॉज ऑफ सम इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप चार्ट्स पे स्टडी करते हो कि ऐसे कौन से इवेंट्स हुए थे पास्ट में जिसके बाद कोई बड़ा मूवमेंट हुआ था, एंड डेफिनेटली जब मार्केट वहां पे वापिस आएगा तो कुछ अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा जो एक हाई प्रोबेबिलिटी मूव देगा। उस हाई प्रोबेबिलिटी मूव को आप ग्रैब करके आपकी जो ऑप्शन ट्रेड्स होती है, ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स या फिर जो भी आप ट्रेड्स मार्केट में लेते हो, उसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हो इंट्राडे। दैट इज व्हाई दिस इज द लेवल व्हिच आई हैव मार्क्ड फॉर टुमारो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 ईएमए भी आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है बिकॉज ये चार्ट्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और 100 ईएमए भी यहीं पे आ रही है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन प्राइस एक्शन। अब अगर मार्केट यहाँ तक गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल सी सम सेलिंग। अगर यहीं पे खुल जाता है तो यहाँ से सेलिंग होगी, आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे आप सेल कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि मार्केट यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, एट अ गैप अप, उसके बाद मार्केट आपको इमीडिएट रिजेक्शन दे रहा है and it is immediately testing the previous day high. उसके बाद आपको थोड़ा bounce मिल रहा है, market is making a lower high, फिर वहां से गिरना चालू हो गया, तो that will be your opportunity to go short in the market and your target will be somewhere around 34,600 and 34,500. तो ये opportunity आप grab कर सकते हो from the level of 100 EMA जो मैंने आपको mark करके दिया है with price action. ठीक है, ये level बहुत important है। अगर इसके ऊपर sustain करता है market तो देन मैं कल अवॉइड करूंगा कोई भी ट्रेड निफ्टी बैंक में बिकॉज इट इज अगेंस्ट माय व्यू। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट एक बार सप्लाई लेगा, कुछ एक्टिविटी होगी लाइक अ डबल टॉप और मे बी अ लोअर हाई स्ट्रक्चर, देन आपको एक फॉल देखने को मिलेगा विच विल बी द प्रॉफिट बुकिंग ऑफ द लास्ट फ्यू डेज रैली। ठीक है, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। लेट अस सी कि निफ्टी में 100 ईएमए कहाँ आ रही है बिकॉज निफ्टी हैज जस्ट क्लोज बिलो 50 EMA, आज 50 EMA के जस्ट बिलो ही बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है तो वो 50 EMA के ऊपर बंद हुई है, अराउंड अब वो 100 EMA के पास आ चुकी है। निफ्टी इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो 50 EMA। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो बिकॉज निफ्टी इज नॉट सो बुलिश, ठीक है, उतना बुलिश नहीं है जितना बैंक निफ्टी है, तो डेफिनेटली जब निफ्टी ऊपर जाएगी अब एंड इट विल फेस 100 EMA तो बहुत ऊपर है अभी निफ्टी का। ठीक है, डेफिनेटली निफ्टी ऊपर जाएगी तो एक लेवल से रेजिस्टेंस लेगी एंड वही लेवल इसके भी पास आ सकता है। ठीक है, जहां से आपको सेलिंग मिल जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी ये आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दे जिस वजह से निफ्टी भी नीचे आ जाए। तो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड जो भी मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड शॉर्ट टर्म में आपको एक एरिया बताता हूँ जहां से मे बी अगर मार्केट अगले कुछ दिन तक बुलिश भी रहता है तो एक एरिया बता देता हूँ आपको जहाँ पे यू हैव टू स्टे वेरी वेरी कॉशियस। द लेवल इज दिस वन। ठीक है, ये 9th जून 2022 का लेवल एंड ये एक एक्सपायरी डे था जिसमें मार्केट ने काफी बुलिश मूवमेंट दिखाया था और 3 दिन तक मार्केट इसी एरिया में रुक गया था। यू कैन सी दिस। ठीक है,
3 दिन तक मार्केट इसी एरिया में 16,500 पे रुका था। उसके बाद गैप डाउन हुआ, अनदर गैप डाउन हुआ, एंड ये पूरा जो बहुत तेजी से डाउन साइड आई थी यहीं से आई थी इस क्लोजिंग पर। 16,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन द शॉर्ट टर्म। अगर आपको अगले वीक तक भी मार्केट बुलिश रहता है और लगभग यहाँ तक आ जाता है, दिस विल बी द लेवल जहां पे आपको बहुत ही कॉशियस हो जाना है मार्केट्स पे। एंड एक बार आपको असाइड हो जाना है, आपको वेट करना है कि अगर मार्केट किस लेवल को तोड़ेगा तभी आप फर्दर लॉन्ग्स इनिशिएट करोगे, अदरवाइज आप साइड लाइन्स पे आ जाओगे इन योर इक्विटी केस। ठीक है, तो दिस इज माई व्यू फॉर द मार्केट्स। एक स्टॉक आपको बता देता हूँ फॉर द कमिंग डेज, या कल के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो या फिर कमिंग डेज के लिए, ठीक है, जब भी आपको ये मूव मिल जाए। तो द स्टॉक नेम इज ITC। इट इज ट्रेडिंग बिटवीन अ रेंज आफ्टर गिविंग द ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट है, उसके बाद ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली ये काफी बुलिश लग रहा है, इसीलिए इसमें ब्रेकआउट एंड फॉलो अप आया है। तो आई वोंट बी थिंकिंग अबाउट एनी सेलिंग ट्रेड्स इन दिस स्टॉक फॉर नाउ, बट अगर मुझे अगले 2 दिन में या तो कल या फिर मंडे को इसमें कोई ब्रेकआउट दिखता है या नेक्स्ट वीक इस लेवल के ऊपर, तो इंट्राडे में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग जाने की। यू कैन कीप ITC ऑन योर रडार। दिस इज द स्टॉक दैट बिलोंग्स टू द FMCG सेक्टर व्हिच इज क्वाइट बुलिश सिंस द लास्ट फ्यू डेज, और ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन ITC। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज मार्केट आउटलुक वीडियो। आई होप दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड जो भी कंसेप्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड आप लोग सीखना चाहते हैं मेरे से, या फिर आप चाहते हैं मैं वीडियोस में कवर करूं, वेबिनार्स में कवर करूं, वर्कशॉप्स में कवर करूं, देन डेफिनेटली वो टॉपिक आप मेंशन करो कमेंट्स में। डेफिनेटली आई विल लुक एट ऑल योर कमेंट्स, एंड जो भी आप सीखना चाहते हो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर।